वेलकम। तो आज हम बनाने वाले हैं कढ़ी चावल। तो कढ़ी चावल के लिए पहले प्रिपरेशन तो कर ली है, अब उसके बाद के आगे की वीडियो दिखाती हूँ। तो कढ़ी बनाने के लिए हमने बेसन लिया है, उसमें नमक और सोडा डाला है, और ये हरी मिर्च तलने के लिए कढ़ी पत्ता है और धनिया की पत्तियाँ हैं, यही मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद हमने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है, और जिस बेसन में नमक और सोडा डाला हुआ था उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसे अच्छे से राउंड राउंड लगाकर मिक्स करना है ताकि ये काफ़ी फ्लफ़ी हो और जो हम पकौड़े बनाएंगे वो भी काफ़ी फ्लफ़ी बने। तो इस तरह से इसे अच्छे तरीके से इसका बैटर बना लेना है। आप चाहें तो इसमें प्याज वगैरह ऐड कर सकते हैं, प्याज मिर्ची, मगर मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि मुझे सादे पकौड़े की कढ़ी ठीक लगती है, इसलिए आप चाहें तो इसे वेजिटेबल्स के साथ भी बना सकते हैं। और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम क्या करेंगे, इसमें छोटे छोटे पकौड़े डाल देंगे। मुझे तो हाथ से नहीं आता है तो मैं चम्मच से डालती हूँ, मम्मी है तो वो डाल देती हैं हाथ से, मुझसे उसकी पूंछ निकल जाती है पकौड़े की, इसलिए मैं चम्मच से डालती हूँ और उसको गोल गोल, जैसे बैंगन को बीच से अगर काटे तो गोल शेप में मोल्ड होता है, मैं वैसे ही भजिया बना देती हूँ और वैसे ही रेडी कर लेती हूँ पकौड़ों का। और मम्मी ऐसे हाथ से डालती है क्योंकि उनसे बन जाता है और मुझसे नहीं बन पाता, मैं वैसे डालती हूँ। आपका जैसा मन आप वैसे डाल सकते हैं, कुछ लोग इसे बूंदी की शेप में भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी वेजिटेबल नहीं डली है, तो आप इसको झारे की हेल्प से बूंदी भी बना सकते हैं इसकी। तो फिर अगर आप इसके बाद बनाएंगे तो ये बूंदी कढ़ी बनकर रेडी हो जाएगी, और अगर हम इसे छोटे छोटे पकौड़े बना देते हैं तो ये पकौड़े की कढ़ी, अगर इसमें कुछ वेजिटेबल ग्रेट करके डाल दी तो उसका कोफ्ता हो गया, ठीक है ना। और बस ये पकौड़े फ्राई होकर तैयार हो गए हैं, और अब सारे पकौड़ों को क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे, धीरे से निकाल लेंगे, और जो बचा हुआ तेल है ना हम उसमें क्या कर लेंगे, मिर्ची फ्राई कर लेंगे। और इस मिर्ची फ्राई में हम क्या करेंगे, नमक और नींबू डालकर इसे रेडी कर लेंगे। तो देख रहे हो मिर्ची कैसे छटपटा रही है, बस ऐसे ही मिर्ची को छटपटाने देना है और उसका पूरा कलर चेंज कर देना है, जैसे ये कलर हुआ मिर्ची का। अब पकौड़े और मिर्ची दोनों तैयार हैं। चलो तो अब कढ़ी में चौक लगाना है। सबसे पहले मट्ठा लिया है, उसमें नमक डालेंगे, ठीक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद उसमें हल्दी पाउडर मिलाएंगे, मिर्ची पाउडर मिलाएंगे, और ये जो हमारी मिर्ची थी ना दली वाली, इसमें नींबू का रस मिलाएंगे, और नमक मैंने इसमें ऑलरेडी मिला दिया है, वो शायद स्किप हो गया है वो क्लिप, इसलिए यहाँ ऐड नहीं कर पा रही हूँ। बाकी हमारी जो तीखी तीखी मिर्ची है वो रेडी है। और अब जितना कढ़ाई में तेल बचा है हम उसमें तेल लेंगे थोड़ा सा, और उसमें मेथी का बघार देंगे, मेथी डालेंगे, जीरा डालेंगे, सरसों भी डाल सकते हैं आप, कढ़ी में सरसों का बघार काफ़ी अच्छा लगता है। फिर उसमें कुछ हरी मिर्चियाँ डालेंगे और हरी मिर्च को अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। गोल्डन करने के बाद उसमें कढ़ी पत्ता डालेंगे और कढ़ी पत्ता वो डालकर रेडी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, चलो चलो बताओ। तो हमको क्या करना है, जैसे ही पकेगा अपना जो हमने घोल तैयार किया है उसे हम डाल देंगे किसमें, कढ़ाई में, ठीक है, कढ़ाई में डालेंगे घोल को, और उसके बाद इसे थोड़ी देर धीमी धीमी आंच में पकने देंगे। अगर आप इसको फुल में करेंगे तो ये जैसे दूध गिरता है ना पककर, वैसे ही ये गिर जाएगा, ठीक है। तो आपको इसे, और जब आपकी कढ़ी ढबक कर तैयार हो जाए पककर खोल कर, तो हम क्या करेंगे उसमें पकौड़े डाल देंगे और उसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे, और उसके बाद उसे धनिया के पत्ते से हम गार्निश कर लेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार हमारी जो पकौड़े कढ़ी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।